हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल पंखाल टेक्नोलॉजी। तो फ्रेंड्स, क्या आपको पता है ESIC पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है या कहीं कहीं एप्लीकेबल है? किस स्टेट में एप्लीकेबल है? कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहां पे ESIC एप्लीकेबल नहीं है? कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे ESIC एप्लीकेबल नहीं है? अगर आपको पता है तो आप कॉमेंट करके बताइए। अदरवाइज ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ESIC है वो कौन कौन से स्टेट में एप्लीकेबल है, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे अभी नहीं है, एक स्टेट ऐसा भी है जहाँ पे अभी तक ESIC एप्लीकेबल नहीं है, और कुछ नए डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे ESIC ने ऐड किए हैं जहाँ पे अभी ESIC एप्लीकेबल हो गया है। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो ESIC है वो पूरे इंडिया में कैसे काम करता है। तो ESIC जो एप्लीकेबल है इंडिया में वो तीन तरह से है: फुली इम्प्लीमेंटेड, पार्शियली इम्प्लीमेंटेड, नॉन इम्प्लीमेंटेड। फुली इम्प्लीमेंटेड मतलब उस स्टेट में, जिस भी स्टेट में ESIC है पूरे स्टेट में एप्लीकेबल है, पूरे सभी डिस्ट्रिक्ट में, फॉर एग्जाम्पल दिल्ली एंड हरियाणा। पार्शियली इम्प्लीमेंटेड उस स्टेट की कुछ ऐसी डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे अभी ESIC एप्लीकेबल नहीं है, कुछ डिस्ट्रिक्ट में एप्लीकेबल है, तो उन्हें हम पार्शियली इम्प्लीमेंटेड कहते हैं। नॉन इम्प्लीमेंटेड मतलब ऐसा स्टेट जहाँ पे अभी तक ESIC एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि वहाँ पे कोई भी ESIC का बंदा कवर नहीं होता ESIC में, ESIC एप्लीकेबल ही नहीं है। तो इसका जो नोटिफिकेशन है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिसमें कुछ नए अभी डिस्ट्रिक्ट हैं वो ESIC ने ऐड किए हैं, और ये नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, 10 तारीख का ये नोटिफिकेशन है, 10/1/2023 ये सर्कुलर यहाँ पे जारी किया गया था। और इसके अकॉर्डिंग जो ESIC में देखिए, फुली इम्प्लीमेंटेड जो स्टेट है हुज एंटायर एरिया इज नोटिफाइड वो 15 स्टेट्स हैं, और जो पार्शियली इम्प्लीमेंटेड है जिसकी कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट में ESIC अप्लीकेबल है, कुछ में नहीं है, वो 20 ऐसे स्टेट हैं, और एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ESIC अभी तक एप्लीकेबल नहीं है। वो कौन सा स्टेट है उसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे। अब आपको अगर फुली डिटेल जानना है कि कौन से स्टेट में, कौन से वो स्टेट हैं जहाँ पे फुली इम्प्लीमेंटेड है और कौन से ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे पार्शियली इम्प्लीमेंटेड है, तो इसमें पूरी डिटेल दी गई है इस PDF में, यहाँ पे आप देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अंडेमान एंड निकोबार में फुली नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट कोई भी नहीं है, यानी कि अंडेमान एंड निकोबार की हम बात करें तो वहाँ पे अभी तक ऐसा कोई डिस्ट्रिक्ट नहीं है जिसमें फुली इम्प्लीमेंटेड हो ESIC। पार्शियली इम्प्लीमेंटेड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे दिया है साउथ अंडेमान, और नॉन नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट अभी भी जो अंडेमान एंड निकोबार में है कुछ डिस्ट्रिक्ट ऐसे हैं जहाँ पे ESIC एप्लीकेबल नहीं है। अभी हम बात कर लेते हैं आंध्र प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश में फुली इम्प्लीमेंटेड है, यानी कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में है सब में ESIC एप्लीकेबल है। ऐसे ही हम बात करें आसाम की, तो आसाम में भी सारी डिस्ट्रिक्ट में ESIC है, तो इसको हम फुली इम्प्लीमेंटेड बोलते हैं। ऊपर आप देखेंगे अरुणाचल प्रदेश, जिसमें एक डिस्ट्रिक्ट फुली नोटिफाइड है, बाकी की डिस्ट्रिक्ट में अभी ESIC है ही नहीं, पार्शियली इम्प्लीमेंटेड में कुछ नहीं है। तो ये इस तरह से पूरा इसमें बायफ्रिकेशन दे रखा है कि कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी सभी डिस्ट्रिक्ट में ESIC एप्लीकेबल है, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसकी कुछ डिस्ट्रिक्ट में ESIC है कुछ में नहीं है, और कौन सा ऐसा स्टेट है जहाँ पे अभी तक ESIC है ही नहीं। तो अगर आपको ये वीडियो PDF देखना है तो इस PDF का जो लिंक है मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वहां से ये PDF डाउनलोड करके और पूरा इसमें चेक कर सकते हैं कि कौन से स्टेट की कौन सी डिस्ट्रिक्ट में ESIC एप्लीकेबल है, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में नहीं है। इसके साथ ही ESIC ने कुछ और नए डिस्ट्रिक्ट हैं जो अभी ऐड किए हैं, जिसमें अभी जो फुली इम्प्लीमेंटेड हो गया है ESIC, तो वो मैं बात कर लेते हैं कौन कौन सी है। सबसे पहले यहाँ पे ओडिशा स्टेट की जो डिस्ट्रिक्ट है केंद्रपाड़ा, ये अब फुली इम्प्लीमेंटेड है, यानी कि इस डिस्ट्रिक्ट में ESIC एप्लीकेबल है। ऐसे ही यहाँ पे मिजोरम जो स्टेट है उसकी जो आइजोल डिस्ट्रिक्ट है वो भी अभी ESIC में कवर कर दी है, और इसके साथ साथ यहाँ पे जो MP है मध्य प्रदेश, उसके भी दो जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनको कवर किया गया है, छिंदवाड़ा और सिंगरौली। तो इन सबको मिला के अभी जो न्यू अपडेटेड लिस्ट है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए फुली नोटिफाइड जो डिस्ट्रिक्ट है पूरे इंडिया में वो 481 है, यानी कि 481 ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ESIC एप्लीकेबल है। पार्शियली नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट यहाँ पे देखिए, पार्शियली नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट में 128 डिस्ट्रिक्ट अभी ऐसी हैं जिसमें कहीं कहीं ESIC है, कहीं कहीं ESIC नहीं है। नॉन नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे ESIC अभी एप्लीकेबल ही नहीं है वो 135 हैं। तो यानी कि टोटल जो 744 डिस्ट्रिक्ट हैं उनका बायफर्केशन यहाँ पे दिया है कि कौन सी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ESIC फुली इम्प्लीमेंटेड है, कौन सी ऐसी डिस्ट्रिक्ट है जहाँ पे ESIC कहीं कहीं इम्प्लीमेंटेड है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं पार्शियली नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट, यानी कि एक डिस्ट्रिक्ट में भी एक सेपरेट
वो सिटी हो सकती है कि इस सिटी में ईएसआईसी एप्लीकेबल है, इस सिटी में ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है। और यहाँ पे कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है, उस स्टेट में ईएसआईसी एप्लीकेबल हो सकता है बट उस डिस्ट्रिक्ट में ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है। तो ये कौन कौन से स्टेट हैं, कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, उसका पूरा यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अभी देखिए जैसे मिजोरम है, मिजोरम में फुली नोटिफाइड डिस्ट्रिक्ट कोई भी नहीं है। आइजोल है जो पार्शियली इम्प्लीमेंटेड था लेकिन जिसको अभी फुली इम्प्लीमेंटेड कर दिया गया है, यानी कि आइजोल की जितनी भी सिटीज हैं सभी में ईएसआईसी अब एप्लीकेबल हो गया है। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको ये अपडेट अच्छी लगी होगी। और हाँ, मैंने जैसा कि लास्ट में बताया था कि जो एक ऐसा स्टेट है जिसमें अभी तक ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है वो कौन सा स्टेट है, तो फ्रेंड्स देखिए जो नॉन नोटिफाइड स्टेट है जहाँ ईएसआईसी अभी तक एप्लीकेबल नहीं है वो लक्षद्वीप है। यानी कि लक्षद्वीप का एक भी डिस्ट्रिक्ट ऐसा नहीं है जिसमें ईएसआईसी एप्लीकेबल है। तो अभी तक लक्षद्वीप एक ऐसा स्टेट है जहाँ पे ईएसआईसी एप्लीकेबल नहीं है, बाकी स्टेट्स में ईएसआईसी एप्लीकेबल है, किसी में कुछ डिस्ट्रिक्ट में, किसी में कुछ डिस्ट्रिक्ट में। और जो फुली इम्प्लीमेंटेड स्टेट है वो मैं आपको दिखा देता हूँ, 12 हैं, जिसमें आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एंड नागर हवेली, दमन एंड दीव, दिल्ली, गोवा, हरियाणा, कर्नाटका, केरला, राजस्थान, तेलंगाना एंड पांडुचेरी। ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ पे ईएसआईसी फुली इम्प्लीमेंटेड है, यानी कि इस स्टेट में कोई भी ऐसी जगह नहीं है जहाँ पे ईएसआईसी एप्लीकेबल ना हो। तो फ्रेंड्स आपको पता लगा होगा कि इंडिया में कुछ जगह ऐसी हैं जहाँ पे ईएसआईसी फुली इम्प्लीमेंटेड है, कुछ जगह अभी भी ऐसी हैं जहाँ पे कुछ पे ईएसआईसी एप्लीकेबल है, कुछ जगह पे नहीं है। एक स्टेट ऐसा है जहाँ अभी तक ईएसआईसी है ही नहीं, वो लक्षद्वीप है। तो फ्रेंड्स आपको ये इन्फॉर्मेशन अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।